नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक इवेंचुअली से मिला और वहां वो जान गया कि किंग इन ब्लैक असल में बियॉन्ड अस का ऑपोजिट है। वे लोग टाइम के बाहर रहकर काम करते हैं और ये टाइम के अंदर रहकर, और तब वो जान गया कि वो अपना शरीर जब चाहे जहाँ चाहे बना सकता है, और इसलिए वो तय करता है कि वो सबसे पहले जाके बैंडलैम को सबक सिखाएगा। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक का असली शरीर देखते हैं जो पूरी तरह जल चुका है और अब उसका सिर्फ स्कल और कुछ हड्डियां बची थी। तभी हमें कुछ लोग नजर आते हैं जो एडी ब्रॉक के इस शरीर को लेकर एब्सेंट थ्रोन के गुमनाम लैब में आ जाते हैं। तब वहाँ एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसका अंकल की जाँच करने लगता है। तभी उस डॉक्टर का असिस्टेंट डॉक्टर से पूछता है कि मेरिडिस पक्का करना चाहते हैं डॉक्टर, तो क्या आप एक बार और टेस्ट करोगे? जिस पर वो डॉक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने इस पर कई सारे टेस्ट किए हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर से आए हुए इक्विपमेंट्स इस पर इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ये डेड बॉडी है, वो भी जली हुई, और इसके अंदर कोई सिम्बियोट मटेरियल नहीं है। लेकिन तब हम देखते हैं कि अचानक से उस स्कल के अंदर कुछ होने लगा था, और तब वहाँ पर अचानक से खून गिरने लगता है और धीरे धीरे सारे नर्व्स बहने लगते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी अलार्म बजाओ, लेकिन तब तक एडी का हाथ बन चुका था और वो उस डॉक्टर को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी वो असिस्टेंट डॉक्टर को लॉक कर देता है ताकि एडी बाहर न जाए। लेकिन तभी एडी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये देखकर वो असिस्टेंट कहता है, ये डोर बंद हो चुका है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते हो। जिस पर एडी उस सहायक से कहता है, तुम्हें वाकई लगता है मुझे दरवाजे की जरूरत होगी? ये कहते ही एडी उस दरवाजे को पकड़ता है और उखाड़ कर फेंक देता है और उस सहायक से कहता है, मैं अब ह्यूमन सिम्बियोट हूँ जिसके लिए अब कुछ असंभव नहीं है। ये कहते ही एडी बाहर आता है और देखता है कि अलार्म बचने के कारण सिक्योरिटी उसे रोकने आ गए थे, और तब वे गार्ड्स आगे आते हैं और देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वे लोग एडी को ढूंढने निकलते हैं, और तब हम देखते हैं कि एडी असल में उन पाइप्स में छुपा हुआ था। फिर उसके बाद हम उस लैब के पास का रास्ता देखते हैं जिसे एक ऑफिसर ने बंद करके रखा था ताकि कोई भी आगे न जा सके। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसे वो ऑफिसर वही रोकता है। तभी वो लड़का उसे आगे जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो ऑफिसर उल्टा उस लड़के को धमकाने के लिए गन निकालता है। लेकिन तभी पीछे से एडी आता है और उस ऑफिसर का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन पर मारता है, जिसके कारण वो ऑफिसर बेहोश हो चुका था। तभी एडी उस लड़के के पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारे कपड़े और बाइक चाहिए, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे ये दे दो। तभी वो लड़का डरते हुए एडी को कपड़े देता है और कहता है, तुम तो टर्मिनेटर हो। जिस पर एडी कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर उसके बाद हम एडी को देखते हैं जो अब बे वाटर आ चुका था। ये वही जगह है जहाँ पर डिलन और बेडलैम का पहली बार सामना हुआ था, और इसलिए वहाँ पर पुलिस ने बे वाटर के लिए आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था। तभी वे ऑफिसर एडी को रोकते हैं और कहते हैं, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ, क्योंकि हम बे वाटर के अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये सुनते ही एडी उन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है अंदर जाने के लिए, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर एडी के मुंह पर अपनी रॉड मारता है। अब इस रॉड से एडी को कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब उस ऑफिसर की शामत आने वाली थी। तभी एडी उस ऑफिसर की ओर देखता है और कहता है, हो गया अब मेरी बारी। ये कहते ही एडी उस ऑफिसर के मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो ऑफिसर उड़ के सीधा कार पर गिर जाता है। ये देखकर वहां खड़ा दूसरा ऑफिसर एडी पे फायरिंग कर देता है, लेकिन एडी उसकी गन पकड़ के तोड़ देता है और उस ऑफिसर से कहता है, अपनी टीम से जाके कहो मेरा पीछा ना करे, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। यह कहते ही एडी उस ऑफिसर को छोड़ के वहां से चला जाता है। यहाँ हम हेलहाउंड गैंग को देखते हैं जिन्होंने अब वहां पर कब्जा करके रखा था। तभी उन हेलहाउंड गैंग का लीडर आगे आता है और एडी को रोकता है और कहता है, रुक जाओ स्ट्रेंजर। जिस पर एडी लैन से कहता है, मेरा नाम एडी ब्रॉक है और तुम वो बंदे नहीं हो जिसके कंट्रोल में कॉप्स होते हैं। जिस पर लैन एडी से कहता है, हाँ मैं वो नहीं हूँ, पर जब लाइफ फाउंडेशन ने यह जगह बंद कर दी तब उन्होंने ही हमें इस जगह का इंचार्ज बना दिया ताकि हम उस एलियन को ढूंढ सके। मैं हूँ लैन और मैं ही इस जगह का मालिक हूँ, और तुमने यहाँ आकर
बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते लेन अपने लोगों से कहता है कि वो एडी को मार डाले। तभी लेन का एक आदमी अपना चाकू लेके एडी पे वार करता है, लेकिन एडी उसे बड़े आसानी से डॉच करता है और फिर उस आदमी का हाथ पकड़ के तोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी एडी पर अटैक करने जाता है, लेकिन एडी उसके लिए भी तैयार था। वो उस आदमी को जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है। तभी एडी लेन की ओर देखता है और कहता है, तुम यहाँ का लीडर बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस गैंग के लीडर नहीं हो। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि उस गैंग के लीडर को जो वहाँ छुपा हुआ है उसे बाहर लेकर आओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस लाइफ फाउंडेशन के पीछे एब्सेंट थ्रोन है और एब्सेंट थ्रोन का अपना एक गार्ड है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ के लीडर हो, जबकि असली काम तो वो अंदर बैठा हुआ करता है। तभी लेन का साथी लेन से कहता है, ये उस मॉन्स्टर के बारे में जानता है। जिस पर लेन अपने आदमी से कहता है, उसका नाम मत लो। जिस पर वो आदमी लेन से कहता है, ये आदमी उसे निपट सकता है। देखा नहीं इस आदमी ने हमारे लोगों का क्या किया। ये सुनते ही लेन अपने आदमी पर गन रखता है और कहता है, अगर तुम चुप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी एडी फिर से लेन को टोकता है। ये देख कर लेन को गुस्सा आता है और वो एडी से कहता है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। ये कहते ही लेन एडी पर शूट करने जाता है, लेकिन एडी उस पर ही चाकू फेंकता है जो सीधा लेन के हाथ में लग जाता है। तभी देखकर एडी लेन से कहता है, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं कौन हूँ। जिस पर लेन एडी से कहता है, हाँ अब मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम और वो मॉन्स्टर एक ही हो। यह कहते ही लेन एडी पर हमला करने जाता है, लेकिन एडी उसे उठाकर अंदर बार में फेंकता है और फिर बार के अंदर आ जाता है और अंदर जो बैठा है उससे कहता है, देखो तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो क्या तुम असली फाइट के लिए तैयार हो। यह कहते हम उस शख्स को देखते हैं जिसे एडी मिलने आया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बेडलैम है, जो एडी से कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।